Hello everyone, my name is Gaurav and welcome back to the new video and the topic of today's video is typical trader's journey. यानी कि एक typical जो trader होता है शुरुआती दिनों में उसकी journey क्या होती है, वो किन किन phases से गुजरता है एक profitable trader बनने तक. From loss making trader to a profit making trader वो journey क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वो journey है जिससे हर trader गुजरता है, चाहे आपके कितना भी पैसा हो चाहे कितने भी गरीब हो. इन फेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे. हो सकता है कोई इन फेजेस में एक साल में गुजरे, दो साल में, कोई इन फेजेस में छह महीने में गुजर जाए, पर गुजरेंगे सब. तो उस हम टिपिकल ट्रेडर जर्नी पे बात करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना और 500 करवा दो, होने वाले हैं, ठीक है. और कुछ बंदे कह रहे थे कि भाई रिंग लाइट से आपके चश्मे में जो है लाइट होती है तो यूज मत करो. तो यार देखो मेरे चश्मे से क्या लेना देना, तुम्हें तो नॉलेज से लेना देना है ना, बोर्ड पे ध्यान दो. बिना इसके ना लाइट अच्छी नहीं आती, थोड़ी सी धुंधली धुंधली वीडियो आती है. एक दो वीडियो मेरी है पुरानी धुंधली सी है तो फिल्टर लगाना पड़ता है, उससे जो है क्वालिटी कम होती है. तो मुझे अच्छी लाइटिंग के लिए रिंग लाइट लगानी पड़ती है, ठीक है. बाकी चश्मे में रिफ्लेक्शन आए ना आए क्या करना है, यहां ध्यान दो, ठीक है. तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो सबसे पहला फेज हमारा आता है इंट्रोडक्शन फेज, ठीक है. इंट्रोडक्शन फेज क्या होता है कि इसमें हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में कि ऐसा कुछ भी होता है दुनिया में, और हमें पहली बार पता चल रहा होता है कि यार ऐसी चीज भी होती है और पैसे कैसे बनते हैं सेकंडों के हिसाब से. तो अब नॉर्मली क्या होता है कि मतलब बहुत तरीके हैं पता चलने के, किसी को दोस्त के थ्रू पता चलेगा, किसी को नेट पे. दोस्त के थ्रू बहुत कम होता है कि पता चले, क्योंकि ये बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और बताते हैं कि मैं करता हूं. मोस्टली आपको इंटरनेट पे या फिर रील्स में कहीं आपने वीडियोस देखी होंगी प्रॉफिट की, या फिर यूट्यूब में दिखता है कि ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज होती है. नहीं तो शुरुआत में हमेशा सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है, पैसा डाला 10 साल में निकाला, बढ़ा तो बढ़ा घटा तो घटा. फिर पता चलता है ट्रेडिंग नाम की कोई चीज है, हर दिन पैसा बनता है, हर दिन पैसा बनता है, हर दिन निकाल लो. तो फिर इसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट आती है लोगों को और पता चलता है कि भाई कुछ चीज है ट्रेडिंग नाम की, ठीक है. हमें क्या करना होता है जब हम ट्रेडिंग सीखते हैं, सबसे पहले हमें फोकस करना है हमारी लर्निंग पे, ठीक है. सबसे पहले लर्निंग में फोकस करना है, देन उसके बाद फोकस करना है अर्निंग पे, ठीक है. पर हमारी अप्रोच हमेशा उल्टी होती है, हम पहले अर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं फिर हम लर्निंग की तरफ जाते हैं. जब अर्निंग में सारा पैसा जीरो कर देते हैं ना सोच के कि पैसा कमाएंगे, तो हम जाते हैं लर्निंग की तरफ कि यार मतलब मुझे कुछ आता नहीं है इसलिए पैसा कमा रहा हूं, अब सीखना पड़ेगा. जबकि अगर आपकी अप्रोच ऐसी रही, आप पहले लर्निंग करोगे फिर अर्निंग करोगे, तो आपका जो है थोड़ा बहुत ही लॉस होगा सीखने के दौरान, बाकी आप फिर कमाना स्टार्ट कर दोगे जल्दी. इसलिए मैंने सीरीज बनाई है बेसिक्स टू एडवांस, ताकि आप लर्निंग पे फोकस करें ना कि अर्निंग पे, ठीक है. बहुत गलत अप्रोच है. अर्निंग के थ्रू अगर आप अर्निंग वाली अप्रोच फॉलो करते हैं तो आप सीख तो जाओगे पर पैसा ज्यादा आपका वेस्ट होगा, जैसे कि मेरा हुआ था, ठीक है. बताऊंगा कभी कितना हुआ था कैसे हुआ था, पर मैंने अर्निंग पे फोकस किया फिर लर्निंग पे गया, मैंने उल्टी अप्रोच करी थी फॉलो. बट आप लोग लर्निंग करना, हर कोई आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप लर्निंग पे फोकस करें. पर वही बात है कि मतलब जैसे इसमें कहा हुआ था स्टॉक मार्केट में कि टाइम रिपीट इटसेल्फ, तो वैसे ही होता है कि मिस्टेक्स रिपीट इटसेल्फ, यानी कि जो मिस्टेक मैंने करी आप भी करोगे. हो सकता है आप सीधा अर्निंग पे स्टार्ट करो पता नहीं, बट लर्निंग से आप पहले स्टार्ट करना, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन फेज खत्म हुआ, फिर बंदे ने स्ट्रेटेजी सर्च मारी यूट्यूब पे, एक दो देखी कि यार ऐसे पैसा बन रहा है, लोगों ने कईयों ने बेवकूफ बना दिया तुम्हें. फिर आता है बिगनर्स लक. अब बिगनर्स लक क्या होता है, ये हर बंदे के साथ होता है, उसे कितना भी नॉलेज हो वो तुक्के में ट्रेड करे. शुरुआती कुछ ट्रेड ना उसके प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, ₹1,000 डाले ₹2,000 डाले 100-200 कमा लिए, ठीक है. ₹10,000 डालिए ₹1,000 कमा लिए, ऑप्शंस में गए तो ₹2,000 भी कमा लिए एक दिन के. बिगिनर्स लक होता है, ज्यादा नहीं चलता, ये एक डेढ़ हफ्ता मैक्स टू मैक्स एक डेढ़ हफ्ता बस, उसके बाद खत्म हो जाता है. तो इसमें होता ये है कि जैसे कि आपने 10,000 डाल के 2,000 कमा लिए लक के दौरान, तो एज अ ह्यूमन हमारी साइकोलॉजी क्या करती है, मंथली हिसाब लगा लेती है कि दिन का 2,000 तो मतलब महीने का हो रहा है ₹60,000, महीने के मैं 60,000 कमा रहा हूं. तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है, हम हिसाब लगा लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है. वो लक बहुत जल्दी खत्म होता है और एक हफ्ते तो क्या वो ज्यादा भी नहीं चलता, 4-5 दिन ही चलता है, उसके बाद लक खत्म हो जाता है. बिगिनर्स लक लॉस करना स्टार्ट हो जाते हैं धपाधप, प्रॉफिट खत्म लॉस स्टार्ट, ठीक है. तो ये जब ये दो फेज हो जाते हैं, फिर उसके बाद आता है बैड लक का फेज, जिसमें हमारी जो है लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होती है. नॉलेज है नहीं, वही 2-4 यूट्यूबर ने चिपका दी कोई फ्री की स्ट्रेटेजी, बस लॉस स्टार्ट हो गया, लॉस करने पर लगे हैं, अपना पूरा अकाउंट खराब कर दिया. जितना पैसा डाला था ट्रेडिंग अकाउंट में 40-50 हजार, वो आ गया तुम्हारा 20,000, 10,000, इवन जीरो भी हो जाता है लोगों के. तो वो बैड लक फेज आ जाता है. तो फिर बैड लक फेज में क्या होता है, अपना पैसा सब पूरा गवा देते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार वो बिगिनर्स लक दोबारा आएगा, दोबारा जीतने वाला दिन आएंगे, पर वो दिन कभी आते नहीं है. तो फिर हमारा वो बैड लक फेज स्टार्ट होता है. तो ये फेज खत्म हुआ, फिर बिगिनर्स लक खत्म हुआ, फिर बैड लक फेज खत्म हुआ,
फिर जब बैड लक फेस खत्म होता है फिर हम सर्च करने लग जाते हैं कि कोई तरीका मिल जाए जिससे मैं रोज पैसा कमाऊं, बहुत पैसा कमाऊं। तो इसी दौरान हमें पता चलता है कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के बारे में, ठीक है, कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के बारे में जो यूट्यूब में अपने एड्स भी चलाते हैं कि हमारे ग्रुप ज्वाइन करें हम तुम्हें डेली के कॉल्स देंगे, ठीक है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। अब मैं तुम्हें इनकी सिंपल सी तरीका बताता हूँ कि ये लोग जो है लोगों को कैसा पैसा कमवाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ये लोग क्या होते हैं, इनकी बहुत बड़ी टीम होती है और ये बहुत बड़ी टीम लोगों को कॉल कर करके बहुत बड़ा डेटाबेस इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इन्होंने 1,00,000 का डेटाबेस जो है इकट्ठा कर लिया, इन्होंने 1,00,000 लोगों का डेटाबेस इकट्ठा कर लिया। अब इनको वो दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक ग्रुप आया 50,000 का यहाँ पे, ठीक है, एक ग्रुप आया 50,000 का यहाँ पे आया। अब इस ग्रुप को बोल दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस ग्रुप को बोल दिया मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो मार्केट के साथ होना ही है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो मान लेते हैं मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट ऊपर चले गया, तो ये लोग खुश हो गए कि भाई मार्केट ऊपर गया, मैंने कमा लिया। अब जीतने वालों के फिर दो ग्रुप बनेंगे 25,000 के, ठीक है, यहां से ग्रुप आए, यहां से 25,000 का एक और ग्रुप बन गया। अब क्या हुआ, इनको बोला कि मार्केट नीचे जाएगा, इनको बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इस बार क्या हुआ, मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे गया, और ये वाले लोग जो है खुश हो गए कि भाई हमारा जो है सही कॉल दी थी, ठीक है। फिर इन दो लोगों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा जो है ऑलमोस्ट कितना बैठता है, 12,000, ठीक है, 12,000 के ग्रुप में ऑलमोस्ट डिवाइड कर दिया, 12,000। और इनको बोल दिया कि यार मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, इनको बोल दिया ऊपर जाएगा, इनको बोल दिया नीचे जाएगा। इस बार मार्केट ऊपर से ले गया, ये लोग सही हो गए और ये लोग गलत हो गए। तो ये जो 12,000 वाले लोग है ना लास्ट वाले, इनको तीन टिप्स मिल चुकी हैं और तीनों बार सही निकल चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पे भी टिप सही निकली, यहाँ पे भी टिप सही निकली और यहाँ पे भी सही निकली। तो इनको लगता है कि ग्रुप वालों को यार बहुत कुछ पता है, इनके पास कुछ अंडर के कॉन्टैक्ट्स हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये लोग हमेशा सही टिप दे रहे हैं, क्योंकि तीन बार लगातार कोई सही कैसे हो सकता है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है, जो टेलीग्राम ग्रुप वाले होते हैं ये बोलते हैं कि अब हमें पैसा चाहिए, तीन टिप सही थी, अब तुम्हें और अच्छी टिप्स चाहिए, और पैसा बनाना है तो हमें मंथली 50,000 रुपए दे दो, 50,000 रुपए मंथली पेमेंट है हमें, दे दो, हम तुम्हें टिप्स देते रहेंगे। या फिर 1,00,000 रुपए मांगते हैं कि भाई 1,00,000 दे दो और जो है मेंबरशिप ले लो एक महीने की, हर दिन कॉल्स देंगे तुम्हें 2 से 3। तो लोग ना 1,00,000-2,00,000 जुगाड़ कर भी लेते हैं, क्योंकि जब इन्हें भरोसा हो गया कि सही कॉल देते हैं तो वो लोन भी ले लेते हैं 5-10 लाख का कहीं से, और इनको फीस भी दे देते हैं। पर लेकिन जैसे मैंने बताया था, ग्रुप में डिवाइड करते हैं और अगली जो इनकी टिप्स आती है वो सारी गलत टिप्स आती है, सारी गलत, क्योंकि अब लास्ट लोग यही बचे थे, इनको कितना डिवाइड कर लेंगे, और इनको केवल वन टाइम पैसे से लेना देना होता है, एक बार फीस मिली उसके बाद भाड़ में जाओ, तुम्हारा लॉस हो कुछ हो ये लोग जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं आपको ग्रुप्स में डिवाइड करके, और लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो सर्चिंग फेज में यही होता है, टेलीग्राम ग्रुप में जाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हो और पैसा कमाते हो, मैंने भी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, सर्चिंग फेज खत्म होता है, तुम्हारी उम्मीदें खत्म हो जाती है सबसे कि भाई दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, यूट्यूबर्स भी गलत है, सब गलत स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, खुद कमा रहे हैं हमें गवा रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप वाले भी गलत हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखना कि दुनिया में कोई भी आदमी कभी टिप्स पे अमीर नहीं बना है, जितने बने हैं खुद नॉलेज लेके अमीर बने हैं, किसी की टिप्स लेके कोई भी अमीर नहीं बना है ना बनेगा कभी। तो टिप्स पे कभी भी फोकस ना करें। तो क्या है, आपका सर्चिंग फेज भी जो है खत्म हो जाता है, आपको सबसे भरोसा उड़ जाता है कि भाई जो होगा मुझसे ही होगा, कोई सही काम नहीं करता। तो उसके बाद आप घुसते हैं लर्निंग फेज पे, ठीक है, सब कुछ करने के बाद, पैसा गंवाने के बाद, क्योंकि इसके बाद ना सर्चिंग फेज के बाद पैसा बचता ही नहीं है, सब हम दुबा चुके होते हैं ऑलमोस्ट, तब आता है लर्निंग फेज। अब जब जेब में पैसा ही नहीं है तो अब लर्निंग ही बची है ना, वही तो करेंगे। तो फिर लर्निंग फेज में क्या होता है, फिर बंदा बेसिक सीखता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एडवांस सीखता है, ऐसे ऐसे कर करके लर्निंग करता है, ठीक है। फिर जब लर्निंग करता है फिर थोड़ा बहुत पैसा गवाता है, पर ज्यादा नहीं गवाता इस बार, क्योंकि पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट वो सीख चुका होता है, तो ज्यादा नहीं गवाता, कमाता गवाता है, मतलब चलता रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। उसके बाद आता है आपका ब्रेक इवन फेज, ठीक है, लर्निंग फेज खत्म हुआ, आता है ब्रेक इवन फेज। इसमें क्या होता है, आप हर महीने ना गवा रहे होते हो ना कमा रहे होते हो, ठीक है। मान लो तुमने कहीं से 50,000 कैपिटल का जुगाड़ किया, तो महीने के एंड में वो आपका जो है 48,000 हो गया, या फिर 53,000-54,000, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा घटा भी नहीं, या फिर ऑलमोस्ट सेम रहा। तो ब्रेक इवन फेज है कि आपको पैसा बचाना आ गया, ठीक है। एक्चुअली मार्केट में क्या होता है कि आप कमाओगे कितना ये मार्केट डिसाइड करेगी, और गवाओगे कितना ये आपको डिसाइड करना होता है। पहले ही पता होना चाहिए कि आज मैं मैक्सिमम इतना गवाऊंगा, ठीक है। तो कमाना मार्केट का काम है, आपको कितना देना है, और बचाना आपका काम है। तो ब्रेक इवन फेज में आप बचाना सीख जाते हो, ब्रेक इवन हो जाता है, ठीक है। फिर जब ब्रेक इवन हो जाता है फिर धीरे धीरे जो है प्रॉफिट मेकिंग स्टार्ट होती है, महीने की 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है, इस हिसाब से।
फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप अच्छे से सीख जाते हो सब कुछ, फिर आप अपना कैपिटल बड़ा कर लेते हो। जब आप 50,000 को 80,000-90,000 बना चुके होते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप कहीं से पैसा रेस करते हो घर वालों से लेके, या फिर खुद ही कहीं से जॉब करके कमा के पैसा इकट्ठा करते हो, फिर आप घुस जाते हो अर्निंग फेज पे। ठीक है, फिर अर्निंग फेज पे क्या होता है, पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, क्योंकि कैपिटल बड़ा है तो आप पैसा कमाओगे ऑब्वियसली। तो धीरे धीरे 10 लाख के कैपिटल जैसे आपके पास है, तो 10 लाख रुपए पे 50,000-60,000 एक दिन का कमाना बहुत इजी है स्टॉक मार्केट में। तो आप ऐसी 10 लाख इकट्ठा करके, 5 लाख इकट्ठा करके 20-25,000 दिन का कमाते हो, और मंथली ऐसी अप डाउन करके कुछ लाख में कमा लेते हो। तो ऐसे ही आपका कैपिटल ग्रो होता है। ठीक है, और ग्रो का मतलब ये नहीं कि आपने 10 लाख में जो है हर दिन आप मान लो 1 लाख कमा रहे हो तो महीने का आप 30 लाख रुपए कमा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ दिन लॉस भी होता है, मोटा मोटा मान लेते हैं आप 20 लाख महीना कमा रहे हो, पर लेकिन जिंदगी भर आप 10 लाख से थोड़ी क्रिएट करोगे। फिर इसमें क्या होता है, 20 लाख में से आप 10 लाख अपना जो है विड्रॉ कर लोगे और 10 यही रीइन्वेस्ट कर दोगे ताकि कंपाउंडिंग हो। फिर वही जो है 10 लाख यहाँ इन्वेस्ट कर देते हो, 10 का आपका यहाँ पे 20 बन गया, फिर 20 का वही है आप उसको जो है धीरे धीरे ग्रो करोगे, 20 पे आप 2 लाख कमाओगे और मंथ के एंड में जो है आप ऑलमोस्ट जो है 30 लाख के आसपास कमाओगे अगर अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, फिर 30 में से 10 यहाँ रीइन्वेस्ट कर दोगे, 20 लाख जो है वापस विड्रॉ कर लोगे अकाउंट में, तो कुछ अपने पास भी रखा, कुछ जो है यहाँ भी रीइन्वेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे आपके बन गए हैं 30 लाख रुपए। तो ऐसे आपका ट्रेडिंग कैपिटल भी ग्रो होता है और आपका बैंक अकाउंट भी ग्रो होता है, और ट्रेडिंग कैपिटल धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि 30 लाख का 50 कब हुआ, 1 करोड़ कब हुआ पता ही नहीं चलता कंपाउंडिंग के साथ, क्योंकि आप रीइन्वेस्ट भी करोगे यहाँ पे, तो कंपाउंडिंग होती रहेगी, कैपिटल बढ़ता रहेगा। इसी हिसाब से जितने भी ट्रेडर्स उनके कैपिटल बढ़ते हैं। जब आदमी सीख जाता है तो कई लोग तो ऐसे जो एंट्री करोड़ पे करते हैं, तो मार्केट में घुसते ही करोड़ रुपए लेकर आते हैं, फिर इन्वेस्ट कर करके उसे 10 करोड़-20 करोड़ पहुंचाते हैं, बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आपका अर्निंग फेज भी खत्म हुआ, इसके बाद आपका इन्वेस्टिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो बंदा महीने के 10-10 लाख रुपए कमा रहा है कहीं इन्वेस्ट तो करेगा। तो इन्वेस्टिंग फेज में क्या होता है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हो लॉन्गर टर्म के लिए। ठीक है, 1-2 साल के लिए रियल स्टेट में मकान बना लिए किराए पर डाल दिए, गाड़ी ले ली वो भी जो है उसकी टैक्सी बना दी किराए पर डाल दी, तो यहाँ पे आके बंदा इन्वेस्ट कर लेता है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे आते आते उसको बहुत चीजें पता चल जाती है कि मतलब कितने तरीके हैं अर्न करने के, कंपाउंडिंग कैसे यूज होती है, हम टैक्सेस से कैसे बच सकते हैं, किस किस चीज में इन्वेस्ट करें कि पैसिव इनकम आए और हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए हर साल। तो बंदा यहाँ पे आके ऑलमोस्ट हर चीज सीख चुका होता है और फिर बस इन्वेस्ट करता जाता है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर है ना, राधा कृष्ण नवानी और आपके राकेश झुंझुनवाला जो अब नहीं है, इन्होंने करियर की शुरुआत कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से ही करी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, और पैसा बनेगा कैसे, वो तो ट्रेडिंग से ही बनेगा ना, या तो घर में तुम्हारे बहुत पैसा हो पहले से, तो पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग करनी पड़ती है और फिर इन्वेस्टिंग में घुसते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए पैसा चाहिए ही। बट अगर आप पे बहुत पैसा है तो इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें, क्योंकि वो इजी ऑप्शन है, फिर ट्रेडिंग की तरफ बढ़े, और पैसा नहीं है तो फिर ट्रेडिंग में घुसना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक टिपिकल जर्नी थी जिससे एक ट्रेडर गुजरता है, जिससे मैं पर्सनली गुजरा हूँ, हर ट्रेडर गुजरा है। ठीक है, और ये बताने का मकसद मेरा ये था, मोस्टली आपको लोग कहते हैं कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये गलतियां ना करो, जबकि रियलिटी ये है कि मार्केट सबसे सेम गलतियां करवाता है आपको, कोई कितना भी बैठ के सिखाए ना, आपके बगल में सिखाया आपको बैठ के हाथ पकड़ के, फिर भी आप ये सेम गलतियां करोगे, करनी ही करनी है, तो सेम गलतियां सब करते हैं। तो मैं आपको बता क्यों रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप इस फेज में घुसो ना, तो तुम्हें पता हो कि इस फेज से हर कोई गुजर चुका है, तुम पहले नहीं हो जो गुजर रहे हो। क्योंकि मोस्टली लोग क्या होते हैं ना, ये बैड लक वाला फेज होता है ना, या फिर सर्चिंग वाला फेज, जब बंदा हार चुका होता है यहीं पे हार मान जाते हैं, और जबकि होना क्या है, उसके बाद जो है असली अच्छे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद आपका जो है लर्निंग फेज, फिर ब्रेक इवन फेज, फिर अर्निंग, फिर इन्वेस्टिंग का फेज, अच्छे दिन तो इसके बाद ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो जहां पे बंदा खत्म हो जाता है ना, आपको वहां पे खत्म नहीं होना है, आपको वहीं से आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि अगर तुम यहाँ फंस चुके हो ना, तो समझ जाओ कि तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम पहले नहीं हो जो ये गलती कर रहा है, सब कर चुके हैं। अगर 1 करोड़ ट्रेडर दुनिया में है तो 1 करोड़ लोग ये गलती कर चुके हैं, पर उन्होंने यहीं पे हार नहीं मानी, इसी वाले फेज में वो लोग आगे बढ़े, लर्निंग फेज में घुसे, ब्रेक इवन फेज में घुसे, फिर अर्निंग फेज में, फिर इन्वेस्टिंग फेज में। ठीक है, और मेरी कोशिश ये है जो मैं कोर्स बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, कि मैं तुम्हें से लर्निंग फेज में घुसेट दूँ, क्योंकि मैं तुमसे लर्निंग पहले करवा रहा हूँ। तो तुम जब लर्निंग पहले करोगे ना, तो तुम्हारे लिए अर्निंग थोड़ी इजी हो जाएगी। इन गलतियों में तुम फंसोगे थोड़ा बहुत, पर उतना पैसा नहीं गवाओगे जितना लोग गवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें लर्निंग फेज से स्टार्ट करवा रहा हूँ, इसके बाद तुम थोड़ा बहुत अर्न करोगे, गवाओगे, बट एट द एंड यहाँ पहुंच जाओगे लास्ट वाले फेज में, जहां पे जो है खूब पैसा होगा। ठीक है, तो ये थी एक टिपिकल ट्रेडर्स की जर्नी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो आ जाएगी स्टॉक मार्केट के कोर्स पे, 500 करवा दोगे तो मैं जो है अपना ग्रुप खोल दूंगा, जहां पे तुम्हें लाइव इन्वेस्ट करवाऊंगा, पैसे तुम्हारे ग्रो करवाएंगे। तो शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।